हरिओम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्यूट से गणपति बप्पा को कलर पेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इसी गणेश भगवान को बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। पहले तो दोस्तों हमने व्हाइट कलर से सब तरफ पेंट कर देंगे। इसी तरह व्हाइट कलर से पेंट कर देने के बाद अभी शरीर पेंट करने के लिए हमने कलर को मिक्स करके बना रहे हैं। इसको मतलब शरीर को कलर को बनाने के लिए हमने यूज किया है ऑरेंज और व्हाइट को। बस थोड़ा सा ऑरेंज और व्हाइट थोड़ा ज़्यादा करके मिला लेंगे तो कुछ इस प्रकार का कलर बन जाएगा। इसी को हमने शरीर के सब तरफ पेंट कर देंगे इसी प्रकार से। शरीर के सब तरफ पेंट कर देने के बाद अभी पेंट कर रहे हैं कान पे और हथेली पे। और इसी पे पेंट करने के लिए हमने यूज किया है पिंक कलर का, मतलब लाइट पिंक बना देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट मिला लेंगे तो इसी प्रकार की लाइट पिंक हो जाएगा। और उसी पे दोस्तों हमने साइड पे ऑरेंज कलर का यूज किया है कान पे, ताकि और भी सुंदर दिख सके। दोस्तों, कान और हथेली पे पेंट कर देने के बाद अभी पेंट कर रहे हैं धोती के ऊपर। धोती के ऊपर दोस्तों हमने यूज किया है ग्रीन कलर का। इसी तरह ग्रीन कलर से पेंट कर दिए हैं। पेंट कर देने के बाद अभी पेंट कर रहे हैं पगड़ी के ऊपर। पगड़ी के लिए हमने यूज किया है ब्लू कलर का। इसी प्रकार से ब्लू कलर पेंट कर देंगे और बीच बीच में दोस्तों वहाँ पे व्हाइट कलर से थोड़ा थोड़ा पेंट कर देंगे ताकि अच्छा लाइटिंग कर सकें। और दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो अभी पेंट कर रहे हैं शावल के ऊपर, जो कि कमर पे पहने हुए होते हैं, उसी पे दोस्तों हमने रेड कलर से पेंट कर देंगे कुछ इसी प्रकार से। अभी हम गोल्ड को पेंट करने के लिए गोल्ड कलर को बना लेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से, मतलब ब्राउन और येलो कलर को मिला करके। और इसी को दोस्तों हमने पेंट कर देंगे इसी प्रकार से गोल्ड पे। यदि आपके पास गोल्ड कलर है तो दोस्तों इसी को बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट गोल्ड कलर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास गोल्ड कलर नहीं था तो इसलिए मैंने मिक्स करके बनाया है। दोस्तों, गोल्ड पे सब तरफ पेंट कर देने के बाद अभी पेंट कर रहे हैं मयूर पंख को। मयूर पंख को पेंट करने के लिए हमने पहले तो वहाँ पे ग्रीन कलर यूज कर देंगे, फिर वहाँ पे बीच में जो होता है उसी पे हमने ब्लू कलर का यूज कर देंगे और ऊपर में लकीर खींच लेंगे रेड कलर से, तो मयूर पंख की तरह दिख जाएगा। गणेश भगवान का सब तरफ पेंट कर देने के बाद अभी पेंट करें मुसकराज को। मुसकराज को व्हाइट कलर से पहले पेंट कर देंगे और उसी पे दोस्तों थोड़ा बहुत व्हाइट कलर से थोड़ा थोड़ा पेंट कर देंगे।
ताकि और मतलब लाइटिंग की तरह बन सके, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं बनाएंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा व्हाइट कलर ऊपर में अप्लाई कर दिए हैं और इसी तरह बना लेंगे दोस्तों। अभी हम हथेली पे ओम का चिन्ह बना रहे हैं दोस्तों, और माथे पे ओम मतलब त्रिशूल का चिन्ह बना देंगे और लकीर खींच देने के बाद अभी आँख को बना देंगे इस टाइप से। आंखों को बना देने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो ये फाइनल लुक। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।